घर पर सुरक्षित रहिए, बैरिस्टर बाबू और कॉलर्स के साथ जुड़े रहिए। रिमझिम बहू, पूरे घर को टिमटिमा दे, दिवाली जैसा दिखना चाहिए, सपने दिखाने वालों की नींद उड़ जाए, इतनी रोशनी कर। अरे टुपुर, पूरी हवेली की बत्ती जला दे। ठाकुमा, ऐसा क्यों है कि हमारे घर की बत्ती चल रही है पर उनके यहाँ की बिजली गायब है? बिजली वाले बाबू को बुला के इनके यहाँ की बिजली कटवा दो। बिजली का डब्बा तो हमारी तरफ है और हमारी तरफ पांव रखने की हिम्मत नहीं करेंगे ये लोग। जमींदार के पैर के नीचे से जमीन न खिसका दी तो मुझे ठाकुमा ना कहना। मैंने तुझे बताया था ना, ये कृष्णा नगर है, तुलसीपुर नहीं। समाज भले ही आदमी जात चलाते हो लेकिन ये घर एक औरत चलाती है। समय समय का फेर है, कहीं रोशनी तो कहीं अंधेर है। इसका मतलब आपने काटी है वहां की बिजली? करना पड़ा बंदिता। औरत और जानवर चाबुक के जोर पर ही काबू में आते हैं। मालिक बिजली नहीं है, खाना कैसे बनाए? मैं ठीक हूँ मालिक, आप मेरी चिंता मत कीजिए। बस हो सके तो बाजार से मोमबत्ती या दिया लेकर आइए। अरे रहने दे अनिरुद्ध, कोई फायदा नहीं, कुछ नहीं मिलने वाला बाजार में। जितना हम जानते हैं बोंदिता की ठाकुर माँ को, अगर सही जानते हैं तो उसने बाजार से सारी मोमबत्ती सब दिए उठवा लिए होंगे। एक भी दुकान नहीं छोड़ी सासू माँ जहाँ कोई मोमबत्ती और दिए बचे हो। अरे बोंदिता दीदी, बिजली होने के बाद भी अंधेरा करके क्यों बैठे हो? पता है उस परिवार में किसी को भी आदत नहीं है बिजली के बिना रहने की। अगर वो बिना बिजली के रह रहे तो मेरे कमरे में बिजली अच्छी लगेगी क्या? तुलसीपुर में थी तो ससुर जी बस एक टेलीफोन करते थे बिजली दफ्तर को और बिजली तुरंत चालू हो जाती थी। पर रोशनी और अंधेरा दोनों ठाकुर माँ के हाथ में, बोल देता दीदी तुम्हारे हाथ में नहीं। वैसे आपसे एक बात कहनी थी मुझे, पर जाने दीजिए, झूठ मैं कहती नहीं और सच आपसे सुना नहीं जाएगा। थोड़ी बात थोड़ी लात, तब समझे औरत जात। अब जब तक मैं उबलूंगी नहीं तू बरसेगी नहीं क्या? झूठ कहूँ तो जान ले लो मेरी सासू माँ। और सच ये है कि गांव वाले आपके नाम को लेकर तरह तरह की बातें कर रहे हैं।
गांव वाले कह रहे हैं कि जब से ठाकुर माँ की पोती आई है कहीं नाक ना कट जाए दास परिवार की। भले ठाकुर माँ के हाथ में पर अंधेरा दूर करना पौंडता के हाथ में है। मतलब बस तू एक काम कर, रबड़ वाली चप्पल ले ले, छुरी ले ले और एक लकड़ी ले ले। चल पौंडता दीदी, वो सब ठीक है लेकिन अब करने क्या वाली हो? तुक्का माँ ने जो दिमाग दिया है और सखा बाबू ने जो पढ़ाया है उसका उपयोग करने जा रही हूँ मैं टापुर। पौंडिता को लेकर तरह तरह की बातें शुरू हो गई हैं कि ना तो वो शादीशुदा है और ना ही छोड़ी हुई औरत, और ऊपर से वो जमींदार अनिरुद्ध रॉय चौधरी हमारी नाक के सामने आकर बैठ गया है। और आप तो जानती हो सासू माँ कि बात अगर लड़की जात की हो तो फुसफुसाहट को गांव की चौपाल का मजाक बनने में देर लगती है क्या? जानती हूँ, घर की औरत घर के मंदिर में रहे तो गंगा जल है, और जैसे ही वो गंगा जल बाहर गली में गिरता है तो लोगों के पैरों की धूल धोते धोते कीचड़ बन जाता है। मैं बौंदिता की जिंदगी को कीचड़ बनने नहीं दूंगी, चाहे मुझे उसके लिए कुछ भी क्यों ना करना पड़े। दीदी हाँ, दिमाग सही जगह नहीं लगा रहे हो आप, क्योंकि आप इसे बाद में आते वो इन तारों को छूते लड़कियों करते नहीं। मुझे तो डर लग रहा है, ठाकुर माँ ने देख लिया ना तो खैर नहीं हमारी। ऐसा कुछ नहीं होगा टापुर, ऐसा कोई काम नहीं जो आदमी कर सकते हैं औरतें बिल्कुल भी नहीं। लेकिन बौंदिता की ठाकुर माँ ने कैसे होने दिया है? काका, अरे अनिरुद्ध बेटा, आ गई बिजली, हो गई रोशनी। हाँ काका, लेकिन बिजली से रोशनी नहीं आई है तो? इस बार हमारे घर की रोशनी ही बिजली लाई है। देखिए, मतलब हाँ, बौंदिता। हाँ काका, बौंदिता। वाह दीदी, आपने तो लड़कियों के लड़कों वाला काम कर दिखाया, पर ये कैसे किया? शिक्षा के पन्नों से चुटकी बहन, क्योंकि मेरे सखा बाबू कहते हैं कि शिक्षा ही वो अस्त्र है जो लड़की और लड़के के बीच के भेदभाव को मिटा सकता है, लड़कियों को भी आत्मनिर्भर बना सकता है
इसीलिए तो मेरे सखा बाबू गए नहीं यहाँ से, बल्कि पड़ोसी बाबू बनकर सामने रहने लगे, ताकि ठाकुर माँ मुझसे ये किताबें ना छीन सके और मेरे बैरिस्टर बाबू बनने के सपने को तोड़ ना सके। काका जानते हैं, मैं आज ही उसे विद्युत संरचना और सर्किट के पाठ पढ़ा रहा था, और देखिए कैसे आज ही बोनता ने फिर एक बार किताबी ज्ञान का व्यवहारिक जीवन में उपयोग किया। काका आज तक सिर्फ मैं ये बात जानता था कि बोनता बहुत समझदार है, लेकिन आज के बाद बोनता की ठाकुर माँ भी ये बात जानेंगी और मानेंगी भी। मेरी दुर्गा माँ से बस यही प्रार्थना है कि बोनता की ठाकुर माँ बोनता की समझदारी को सराहें, समझें, माने, जाने कि उनकी पोती एक हीरा है जिसे चक्की में पीसा ना जाए बल्कि प्यार से तराशा जाए। बेटा तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज्यादा ही उम्मीद कर रहे हो? वो भारत की सबसे बड़ी चोटी कौन सी है? हिमालय। हाँ, हिमालय। तो हिमालय की चोटी एक बार पिघल सकती है, पर ये बोंदता की ठाकुर माँ ये कभी नहीं बदल सकती। सासुमा सासुमा, सामने वाले घर में बत्ती आ गई। तुझे बहू बनाकर मेरी किस्मत फूटी है, आंखें नहीं देख सकती हूँ मैं। पर जानना तो ये है कि बिजली आई कैसे? इनका बिजली का डब्बा तो हमारी कोठी के हिस्से में है ना? इतनी रात को कौन मिल गया इनको बिजली वाला? कोई बिजली वाला नहीं मिला ठाकुर माँ। उन कटी हुई तारों को तो मैंने जोड़ा है। तूने? तू लड़की जात होकर वो बिजली के डब्बे को कैसे हाथ लगा सकती है बोंदता? रबड़ की चप्पल और लकड़ी से काकी। सखा बाबू ने विद्युत संरचना का पाठ जो पढ़ाया था मुझे। जानती हूँ ठाकुर माँ, आपको ये बात अच्छी नहीं लगी होगी, पर मेरा इरादा आपका अपमान करने का बिल्कुल भी नहीं था। पर वो भी मेरा परिवार है, जैसे मैं आपको दर्द में नहीं देख सकती, वैसे ही उन्हें भी तकलीफ में नहीं देख सकती मैं तो बस यही प्रार्थना करती हूँ दुक्का माँ से, कि जैसे आज बिजली की तारे जुड़ी हैं, कल रॉय चौधरी परिवार और दास परिवार के दिलों की तारे जुड़ जाए। ये क्या किया तूने बोंदता? चल माफी मांग सासू माँ से। पर जब मैंने कोई गलती ही नहीं की तो माफी किस बात की मांगू? मेरे सखा बापू कहते हैं कि गलत करो तो माफी मांगने से हिचकिचाना नहीं, और गलती नहीं की तो चाहे जो हो सर झुकाना नहीं। कुछ सीख रिमझिम, बोंदता से कुछ सीख, कितनी होशियार है तू। तो मेरा एक काम करेगी, मेरी सोने वाली चादर फट गई है तो क्या उसे सी देगी? रात में ना ठंड के मारे ठिठुर जाती हूँ मैं। तुझे सिलना पिरोना तो आता होगा, तेरे सखा बाबू ने नहीं सिखाया? मेरे सखा बाबू ने नहीं, मेरे काका ससुर जी ने सिखाया है। ये चादर मैं अभी सी देती हूँ। लेकिन सासू माँ, तू हो सके तो इसका मुंह भी सिल दे। जा चादर लेकर आ, और हाँ साथ में सुई धागा भी लेके आना। हाँ हाँ सासू माँ। अरे कहाँ रह गई, जल्दी कर। ढंग से नहीं कर सकती क्या? अब देख ठाकुर माँ की सजा। अरे सुई कहाँ गई?
अब इस कचरे के ढेर में सुई कहां से मिलेगी? अरे दूसरी सुई ले आना। हाँ। अरे लेकिन दूसरी सुई तो है नहीं, ये तो आखिरी सुई थी ना डब्बे में। ना। हाँ हाँ सासू माँ, छूट कहूं तो जान ले लो मेरी, लेकिन आज रात तो आपको ठंड में ही मरना, मतलब ठिठोर के गुजारना पड़ेगा। ऐसे कैसे? अरे बौंदे तो अपनी ठाकू माँ को ठंड में ठिठुरते हुए थोड़े ना देख सकती है, वो ढूंढ लेगी सुई। दूसरों की बिजली जाए तो बौंदिता देख नहीं पाती, तो क्या अपनी ठाकू माँ को ठंड में ठिठुरता हुआ देख पाएगी? नहीं ना, ढूंढ लेगी ना सुई। हाँ ठाकू माँ, ढूंढ लूंगी मैं। शाबाश। बोलूं तो जान ले लो मेरी, पूरी रात लग जाएगी सुई ढूंढने में। सासू माँ काम नहीं करवा रही, दंड दे रही है मौंदिता को। मिली सुई मौंदिता? हाँ तो ढूंढ, मिल जाएगी। और ये जो घास जिस डोरी से बंधी थी ना, वो बहुत ही कमजोर थी, मैं नई डोरी ढूंढ के लाई हूं मजबूत, ये देख। कि रस्सी से पढ़ाई के कागज भेजते हैं बौंदिता को उसके सखा बाबू। लड़की और पतंग, जरा सी ढील दी नहीं, कब अपनी छत से दूसरे की छत पर पहुंच जाती है पता ही नहीं चलता। अनिरुद्ध रॉय चौधरी, अब जो भी डोर तुझे बौंदिता के साथ बांधेगी उसे मैं काट दूंगी। ये तो हाँ बहुत मजबूत डोर है, चाकू से भी नहीं कटी, कुल्हाड़ी से काटना पड़ा मुझे, पर मैंने भी इसे काट कर ही माना। याद रखना बौंदिता, पिद्दी से लड़ने में और जिद्दी से अकड़ने में अपना ही नुकसान होता है। लगता है ठाकुर माँ को पता चल गया है कि सखा बाबू मुझे रस्सी से बनाई थी कागज भिजवा रहे थे। अब ये सारी घास तो इसी रस्सी से बांधना, ये अब इसी काम आएगी। कहाँ खो गई? पहले तीन काम करने हैं तुझे, पहले तो सुई ढूंढना, फिर जब सुई मिल जाए तो मेरी चादर सिलना, और चादर सिलने के बाद ये सारी घास इसी रस्सी से बांधना। अब ये रस्सी इसी काम आएगी। पर सासू माँ बौंदिता अकेली ये सब कुछ? दीवार चढ़ती चींटी और काम करती बेटी दोनों को कम मत आंकना, तेरी तरह आलस की मारी नहीं है ये। जब ये आदमियों वाले काम इतने अच्छे से कर लेती है तो औरतों वाले काम तो चुटकी में कर लेगी, है ना बौंदिता? चलो अपना अपना काम करो और इसे अपना काम करने दो, चलो। काम तो मैं कर लूं।
कैसे पढ़ाएंगे? For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.